महंगाई के विरोध में प्रजा शक्ति पार्टी ने किया प्रदर्शन। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी ने आज एलाइट चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए सरकार से या तो महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की या फिर कुर्सी छोड़ देने को कहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत के नेतृत्व में चौराहे पर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में एक ओर जहां आम नागरिक बुरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार महंगाई को नियंत्रण करने में असफल हो रही है। ऐसी स्थिति में या तो सरकार को महंगाई कंट्रोल करना चाहिए या फिर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता सभी राजनीतिक दलों से ऊब गई है, अब जनता अपनी सरकार लाने के मूड में दिखाई दे रही है। देश में महंगाई जो है अपनी चरम पर है। कोरोना काल में उद्योग धंधे सब बंद हैं, आदमी भुखमरी कागार पे आ गया है और सरकार नकारा बनकर कुर्सी से चिपकी बैठी है। हम लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि यदि वे महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कुर्सी छोड़ दें और हम लोग नई सरकार बना के अपने देश को प्रदेश को कंट्रोल करने में सक्षम है। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है या बीजेपी की हो कहीं या कांग्रेस की सरकार हो, अब जनता ने ठान लिया है कि अब ना तो देश को कांग्रेस की जरूरत है ना बीजेपी की जरूरत है, अब जनता का शासन आएगा और महंगाई कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।